हेलो एवरीवन, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सूजी और आटे से बनी ठेकुआ की रेसिपी लेके आए हैं। यह छठ महापर्व, तीज त्यौहार या जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। यह बिहार, यूपी, झारखंड का फेमस डिशों में से एक है। तो चलिए रेसिपी की ओर चलते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है। आटा को हमने अच्छे से चाल कर साफ कर लिया है। आधा कटोरी हमने सूजी लिया है, आधा कटोरी हमने शुगर लिया है और आधा कप हमने गुनगुना दूध लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने नारियल का बुरादा ले लिया है, 2 चम्मच हमने घी लिया है। ठेकुआ जब भी बनाएं घी में बनाएं। घी में बनाने से क्या होता है ना, ठेकुआ का स्वाद अच्छा आता है। आटा को हमने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, उसमें हम सूजी ऐड कर देंगे और आटे और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो घी रखा है ना, घी को थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे घी को, हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। देखिए इस तरीका से, थोड़ा सा 1 चम्मच घी हम और डालेंगे। अच्छे से हम घी को मिला देंगे। इस तरीका से जब हमारा मुट्ठी बनने लगे, आटा बाइंड होने लगे, तो हमारा डो तैयार है। और हमने जो गुनगुना दूध लिया था ना, उसमें हम शुगर ऐड कर देंगे और अच्छे से चम्मच से मिला देंगे ताकि हमारा शुगर मिल जाए दूध में। और हमने नारियल का जो बुरादा लिया था वह हम आटा में मिला देंगे। और हमने 2 इलायची को देखिए हाथों से खोल कर ही डाल दिया है। अब हम अच्छे से सभी को मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम डो तैयार करेंगे। एक बार में हमें सारा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। अच्छे से मसल मसल कर सान लेंगे। देखिए हमारा ठेकुआ का परफेक्ट डो बनकर तैयार है। इतने से दूध हमारा बच चुका है। दूध को हम साइड करते हुए ठेकुआ बनाने की तैयारी करते हैं। आपको जिस भी आकार का ठेकुआ बनाना है, बड़ा या छोटा, उस आकार के आप गोली लें और हाथ से गोल करते हुए, हथेलियों से चपटा करते हुए, चारों तरफ से प्रेस कर कर इस तरीका से, देखिए फॉक की मदद से हम इसे चारों तरफ से प्रेस करेंगे। अगर आपके पास साँचा हो तो आप साँचा से भी बना सकते हैं। और किनारे किनारे से जो फट चुका है उसे हम हाथ से सेव देते हुए ठीक कर लेंगे। देखिए इस तरीका से आपको हम दूसरा बनाकर भी दिखाते हैं। देखिए हथेलियों से गोल करते हुए चपटा कर कर हम फॉक से प्रेस कर देंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। देखिए इस तरीका से हमने सेप दे दिया। इसी तरीका से हम सारे ठिकुआ को बना लेंगे। देखिए हमारा ठेकुआ बनकर तैयार है। अब हम तलने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और हमारा घी भी गर्म हो चुका है और हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और एक एक करके हम सारे ठेकुआ को डाल देंगे। एक बार में हमने 5 ठेकुआ डाला है और हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा ना, हमारा ठेकुआ ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम में ही तलना है। एक तरफ से देखिए हमारा ठेकुआ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम चम्मच की मदद से पलटी कर देंगे। हमारा ठेकुआ बनकर तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हम बाकी बचे ठेकुआ को भी डाल देते हैं। एक तरफ से हमारा ठेकुआ पक चुका है और इसे हमने पलटी भी कर दिया है। देखिए हमारा ठेकुआ बनकर तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए आटे और सूजी से बनी हमारी स्वादिष्ट ठेकुआ बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए।
तो के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।